स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है लुईस स्ट्रक्चर या फिर डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि होता है डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तीसरा मेथड होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और चौथा और आखिरी मेथड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलिए एक एक करके इन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है लुईस और डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम एलिमेंट्स के सिंबल्स के अराउंड उनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपाउंड में प्रेजेंट अदर एटम्स की हेल्प से सेंट्रल और सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग और डिस्क्रिप्टिव होता था, इसलिए साइंटिस्ट ने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की जगह डैश या फिर लाइन से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से बनने वाले स्ट्रक्चर को हम डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। यदि किन्हीं दो एटम्स के बीच एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कहें कि उनके बीच में केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसको हम एटम्स के बीच एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना है या फिर दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम एटम्स के बीच डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में दो लाइंस हैं, जो कि कार्बन कार्बन के बीच बने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर एटम्स के बीच तीन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कहें कि एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो उसको हम एटम्स के बीच तीन डैश या ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। डैश स्ट्रक्चर में यदि कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम लोन पेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, यानी ऑक्सीजन के चार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यदि हम एग्जाम्पल के लिए और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यह स्ट्रक्चर इथेन मॉलिक्यूल का होता है, जिसमें सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। वहीं अगर हम इथीन मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसका डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर हम इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसका डैश स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हमने यहाँ पर ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यदि हम मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डॉट्स ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी हम इन लोन पेयर्स को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में नहीं दिखाते हैं, तो वो हमें इस तरह से दिखता है। डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें एटम्स के बीच बने सारे बॉन्ड्स और
एटम्स पर प्रेजेंट लोन पेयर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बार बार ड्रॉ करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक और मेथड प्रपोज किया, जिसे हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें हम एटम्स के बीच बॉन्ड्स को लाइन से नहीं दिखाते हैं, बस उनको एक साथ ग्रुप करके लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमें इथेन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो इसको हम डायरेक्टली CH3CH3 के फॉर्म में लिख देते हैं। इसमें कार्बन के बाद लिखे अदर एटम्स यह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एटम्स कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। वहीं अगर हम इथीन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर हम इथाइन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। वहीं अगर हम मिथेनॉल का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, तो वो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसे हम सिंपली CH3OH बोल सकते हैं। यदि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक ही यूनिट बार बार रिपीट होती है, तो उनको एक साथ ग्रुप करके भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर ऑक्टेन मॉलिक्यूल को देखेंगे, तो इसमें CH2 यूनिट 6 बार है। इनको हम फर्दर कंडेंस करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH3CH2 6CH3। यहाँ पर CH2 का सबस्ट्रिक्स 6 यह रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल में CH2 यूनिट 6 बार प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम 4-5 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल का कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर CH2 यूनिट और CH3 यूनिट रिपीटेड है, तो इनको हम क्लब करके कुछ इस तरह से लिखते हैं। साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और आसान स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को शो नहीं करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच बने बॉन्ड्स को सिंपली जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3-methyl octane की बात करें, तो इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें एक यह हमारा कंडेंस फॉर्म है। यदि हम यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करें, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाते ही नहीं हैं, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को केवल जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, और हम यह अज्यूम करते हैं कि जो भी आपके पीक पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, वहां पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर से 3-methyl octane का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो वो हमें फाइनली इस तरह से दिखता है। यह स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान और लेस टाइम टेकिंग होता है, तो साइंटिस्ट जनरली इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर में टर्मिनल पोजीशंस हमेशा मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप स्ट्रक्चर बी में देख सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल में कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, तो हम उन एटम्स के सिंबल्स को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2-bromobutane की बात करें, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको जिगजैग लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को हाइड कर दें, तो हमें फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है।
यदि हम साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं तो वो हमें सिंपली एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। वहीं अगर हम साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हमें एक पेंटागन की तरह दिखेगा और साइक्लोहेक्सेन हमें एक हेक्सागन की तरह दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाना कितना आसान होता है। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशनली दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है। तो उसको दिखाने के लिए हम एक स्पेसिफिक कन्वेंशन का यूज करते हैं जिसे हम वेज और डैश मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और अगर हम इसे वेज डैश स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें सिंपल लाइंस हमें यह बताती हैं कि इनसे जुड़े एटम्स सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं। वहीं डैश्ड बॉन्ड हमें यह दिखाता है कि एटम्स प्लेन से या फिर ऑब्जर्वर से दूर है। वहीं सॉलिड वेज यह रिप्रेजेंट करता है कि एटम्स ऑब्जर्वर की तरफ प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूलर मॉडल्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि वुड के बने हुए मॉडल्स या फिर प्लास्टिक के बने हुए मॉडल्स या फिर हमारे मेटल्स के बने हुए मॉडल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी मॉडल्स का यूज होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क मॉडल। यहाँ पर हम एटम्स को सिंपली स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको अलग अलग कलर असाइन करते हैं। वहीं अगर हम बॉल स्टिक मॉडल की बात करें तो यहाँ पर एटम्स को हम बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग तरह के एटम्स को अलग अलग कलर से दिखाते हैं, और एटम्स के बीच के बॉन्ड्स को हम स्टिक्स की हेल्प से दर्शाते हैं। और तीसरा मॉडल होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, जिसमें एटम्स के बीच के बॉन्ड को हम नहीं दिखाते हैं और कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स को हम यहाँ पर जुड़े हुए बॉल्स की तरह दिखाते हैं।